हम आया तो कपड़े उसने पहन लिए। गलत काम का ख्वाहिश हो रही थी मैंने खुद को, वैसे ही यहाँ से चला गया, फिर मैं वापस आया। हो रही थी वाह क्या कर रहे थे ये लगे हुए थे मैं कपड़े सीते नहीं कितने और यहाँ पर बदफैली कर रहे थे, और जैसे ही मैं और मेरी टीम आई है और ये बंदा यहाँ पर, अब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा जी नाजिन अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो उधर बैठ के? कुछ नहीं कर रहे, ऐसे बैठे आप। नहीं नहीं क्या कर रहे थे, कपड़े आगे आपने पहन लिए हैं? कपड़े तो हाँ जी पहने, कपड़े नहीं आप पहन रहे थे आगे? हाँ जी, ना ना कपड़े तो मैंने आगे पहने हैं। नहीं नहीं आप कपड़े पहन रही थी ना? ना ना कपड़े ना पहने हैं, तो मैंने क्या कर रहे हो उसके साथ? जावे भाई मैं कुछ नहीं कर, क्या रहे हो उसके साथ? मैं तो आप खा जा सरा उसके साथ, क्या कर इधर इसके साथ बैठ के आगे क्या कर रहे? क्या कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम? शर्म मैं ये नहीं लग रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप यहाँ बैठ के इसके साथ, ये रोड है, ये सात दाता की नगरी है, आप कर क्या रहे थे यहाँ पे? आप गलत काम कर रहे थे आप। गलत काम, वो कपड़े हम आया तो कपड़े उसने पहन लिए। गलत काम कर रहे थे लोग, आप मुझे हाथ ही, इसको लगाना, इसको हाथ ही लगाना, आपने हाथ नहीं लगाना। मैंने गल दसो की कर रहे? ना कुछ ना, मैं कपड़े ना पाए, ते मैं कहने मेरे लक घुटते, मेरे लक च सूरा, ये पिछले पास कंबर घुटते, कंबर घुटन आई है, कंबर घुट ना ना घुटे ना, हाले मैं घटाउन लगी, चाह पीन लगी मैं। अच्छा की कह रहे सी? कंबर मैं क्या कटा घुटते, मेरे को 10 रुपए ला ले और की। दंद भी कट रहे हो, शर्म नहीं तुहानू आंदी है? दसो ना, शर्म तो आंदी है, हुण की करिए? शर्म आंदी है तो फिर ए काम कर दियो, सरेआम मतलब लोग गुजरते ने, तुसी इत्थे फाशी कर रहे हो। जगह नहीं है कि मैं किधर जावां, जगह ला दे, जगह नाजिंग। ये देखिए जरा आप, ये मेट्रो का स्टेशन है और ये सीढ़ियां मेट्रो की, और उसके नीचे ये खुफिया तौर पे नीचे बैठ के ये यहाँ पर फहाशी फैला रहे हैं और यहाँ पे बदकारियां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे थे, और जैसे ही हम आए हैं कैसे बन रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी हमें कह रहे हो झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, वो बताओ मुझे। ये तो खुश रहा है, देखो कुछ नहीं, नहीं तो फिर कोल दे बैठा सी ना, वो तो मर दे चंगा भला मर दे, बैठा ना मर दे, मर दे ना चंगा भला मर दे, हो हैं पता लग गया कि मर्द नहीं है, पता लग गया हैं कि नहीं पता लगा? मेरा अपना भरा है ना, हैं बैठा रहे, शर्म नहीं आई है? नाजिन ये देखें, गलत काम कर रहे थे बैठ के यहाँ पर नीचे बैठ के गलत काम कर रहे थे, और इनकी जगह आप देखें कि कितने खुफिया तरीके से ये बैठ के। नहीं भाई, ओ भाई सबाब आऊंगा तुम जाओ, हैं तो सीधे आओ, आप गलत समझते हो, आप गलत कर रहे हो ना, क्या कर रहे थे? मैं कह रहे थे सर जान कर क्या रहे थे इधर बैठ के लोग के? अच्छा खासा तू मर्द है, उसके साथ बैठ के क्या कर रहे थे यहाँ पे, बताओ मुझे, ये डेट से बताओ ना, पागल है तू बोल, बताओ मुझे साजी, तुसी दस दियो ना, ते दस देने पिया, ये पागल है इस ना खुसरा, इन्हें की बोलना नचने वाला वा कपड़े नी पाए, मैं लक कटाउनी हटी हूं, ना कमीज ना उसे मैं लक कटाया, कपड़े सीधे नहीं किते अपने, लक ते खुरक करा, मैं कपड़े सीधे नहीं किते अपने, दसो नहीं किते, चलो दस दियो मैं, किते सी?
कर रहे थे ना कपड़े, चेहरा बंद है, चेहरा बंद कर। बताओ भाई, बताओ ना, बोल रहे ये हालात है नाजिन के, आप देख सकते हैं कि ये कितनी खुफिया जगह पर बैठ के नाजिन ये यहाँ पर गलत काम कर रहे थे। और ये आप देखें जरा, ये देखें इनको दिखाओ जरा, ये यहाँ पर बैठ के गलत काम कर रहे थे ये दोनों बैठ के। और ये खातून आप देख लें, और वो पीछे आप लड़का अच्छा खासा मर्द बना हुआ है, और यहाँ पर बैठ के गलत काम कर रहे थे ये, और अपने आप को ख्वाजा जरा कह रहा है अभी, और अच्छा खासा ये मर्द है, अच्छा खासा ये मर्द है। और यकीन करें नाजिन कि ये रोड के ऊपर बैठ के सरेआम ये यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं और मान भी रही है। ये खातून आप देख लें, और वो पीछे वो देख लें जरा, इसका चेहरा दिखाओ जरा, इसका चेहरा दिखाओ जरा इसका, ये देखें नाजिन आप, ये दिखाएं जरा, ये देखें, ये बैठ के यहाँ पे गलत काम कर रहे थे, और जैसे ही हम आए हैं, और आए कहाँ से हो तुम ये बताओ जरा। मैं इधर रहने डाटा पागल आकर जूस वाले थे इधर बाजार से रहने, इधर ही सोते हो, उसके साथ ही सोते हो? नहीं, दाता दरबार, इन्हें दाता दरबार बाहर सुना, मैं फिल्म आता था, मैं था इतने सुना। शर्म नहीं आती है तुम्हें मेरी भैन? जगह नहीं आता, वैसे मैं किधर, जगह नहीं है, आते थे मुआशरा खराब करी जा रहे, देखे जगह ले दे दो, जगह दे दो, जगह दे दें। और मेरी बहन घर जाओ ना, आप यहाँ बैठ पे इस मर्द के साथ यहाँ पर नजायज बैठी हुई हो। घर जगह नहीं है, घर जगह नहीं है, घर। अब बताओ भाई, अब चुप कर गए हो, आप आगे बोल नहीं रहे, बताओ। मैंने नीचे करो ना, अपना मकरू चेहरा दिखाओ मुझे, नीचे करो इसको, अपना मकरू चेहरा दिखाओ जरा मुझे, नीचे करो इसको। मैंने, ये देखे नाजिर, अच्छा खासा मर्द है ये, और देखे ख्वाजा सरा, पहले बात तो ये ख्वाजा सरा बनने का नाटक कर रहा है ये, और इसके साथ बैठा हुआ था, और यहाँ पर बदफैली कर रहे थे, और जैसे ही मैं और मेरी टीम आई है, और ये बंदा यहाँ पर, अब मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जगह आप देख लें कितनी खुफिया जगह पर, और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि इनको डिस्टर्बिंग ना हो, आने जाने वाले जो लोग हैं वो इनको तंग ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये फाशी यहाँ पर सरेआम, अभी आप देखें ये यहाँ पर गलत काम कर रहे थे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, पहले नहीं कभी देखा इसको, ये तो यहीं पर रहती है, ये यहीं पर रहती है, गलत काम कर रहे थे यहाँ बैठ के, ये खुदा बेहतर जानता, हम नहीं जानते लेकिन गलत है ना जनाब। गलत है, नहीं होना चाहिए मेरे, बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऊपर दरबार सामने है हमारे, पाक, बड़ी पाक अस्थी का दरबार है, अस्थी है, उनके सामने ये काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये हमारे महकमे को चाहिए, ये इन चीज़ों से देखें, इनको साइड करें, ये नशई आदमियों को, ये ऐसे आदमियों को दूर रखें हमारे मुल्क से। वो देखें, ये अब इस गैर महरम औरत जो है, यानी कि मर्द है, और गैर महरम के साथ ये भी औरत गैर महरम के साथ बैठी हुई थी, और ये गलत काम कर रहे थे नाजिन, और बता रहे हैं कि जी मैं खारिश करवा रही थी, मुझे खारिश हो रही थी, और मैंने इसको कहा मुझे खारिश कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाई, ये गलत काम? बिल्कुल गलत काम है, मैं अभी सवाद से आया था, मैंने जाके सलाम फेर के यहाँ पे आया तो ख्वाहिश हो रही थी, मैंने खुद को वैसे ही यहाँ से चला गया, फिर मैं वापस आया, हो रही थी, क्या कर रहे थे ये लगे हुए थे जी, मैं यहाँ से गुजरा, फिर मैं वापस आया तो आप इनसे इंटरव्यू ले रहे थे, ये काम बहुत गलत है, क्योंकि सामने देखे दरबार है हस्ती का, बहुत बड़ी हस्ती है, और यहाँ पे ये काम अच्छा नहीं लगा, अच्छा हो ही नहीं रहा जी। जी बिल्कुल, इधर की इंतजामिया जो भी है उसको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, नहीं तो ये तो जितनी आवाम निकली है जैसी नेचर देखेंगे वो तो फिर फॉलो करेंगे, क्योंकि इंसान की फितरत है ये सारी, जैसा जैसा माहौल देखेंगे वैसे माहौल में जाएंगे, अगर इधर की इंतजामिया जो है वो कुछ करेगी तो हमारा मुल्क जो है वो अच्छे रास्ते पे जाएगा जी। और नाजिन ये देखें अभी निकल रहा है, और ये देखें अभी निकल रहा है, और ये अच्छा खासा मर्द है, और यहाँ पर बैठा हुआ था इस औरत के साथ, और गलत काम कर रहा था। अब जैसे कि भाई ने आगे बताया कि हम यहाँ से गुजर रहे थे, और यहाँ पर ये फहाशी फैला रहे थे, फहाशी कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, बदकारी कर रहे थे, लेकिन हम आगे चलेंगे, लेकिन लोग नहीं पूछते ना इनको, क्योंकि ये एक इनके पीछे जो इनके माफिया है जो यहाँ पर गलत काम करवाते हैं, वो बहुत ही यानी कि वो समझ लें कि बड़े बहुत बड़े पैमाने पर जो है यानी कि वो बदकारी करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं, लेकिन क्या कहेंगे जी सर? गर्म हुआ हुआ ये माफिया, और इंतजामिया को और हुकूमती इकदाम होने चाहिए, इनके खिलाफ सजाएँ होने चाहिए,
ठीक है, ताकि आइंदा से ये ऐसे गलत काम ना करें और देखने वाले भी इससे इबरतनाक सजा लें। बिल्कुल जी, यही ये लोगों का कहना है कि जी सर गरम है जनाब, और ऐसा माफिया जो कि बासर हैं और यहाँ पर जोड़े बने होते हैं, जैसे ही रात का समा होता है यहाँ पर, ये दरबार के एरिया नाजिन, यहाँ पर जो बदकारी है, यहाँ पर जना जो है वो आम हो चुका हुआ है, यहाँ पर आपको मंशियात ये यानी कि क्राइम का मैं इसे कहूँ गढ़ बन चुका हुआ है। दो थानों की हदूद है, थाना बाटी गेट और थाना दरबार लगता है, लेकिन दो थानों के बावजूद यहाँ पर क्राइम जो है वो इस कदर बढ़ चुका हुआ है कि पुलिस और इंतजामिया इसको रोकने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। बड़ी बाकस्ती का दरबार है और उसके बिल्कुल पास ही यहाँ पर क्या गलत काम हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं जी हम पर अल्लाह की तरफ से अजाब आ रहे हैं, तो क्यों ना आए, वो चाहे महंगाई की सूरत में हो, हम पे जब हम अल्लाह के अहकाम पूरे नहीं करेंगे, अल्लाह के जो नेक वली हैं उनकी दरबार के आसपास जो नजायज़ नमाजगाह लोगों ने बनाई हुई हैं गलत काम करते हैं, तो फिर कैसे हम पर अल्लाह के अजाब ना आए। तो नाज़रीन ये हालात है, लम्हा फिक्री है, तो इंतजामिया को चाहिए, मुतलका थाने वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन करें और बड़ा ग्रैंड क्रैकडाउन करें, ताकि यहाँ से जो फाशी है उसका खात्मा हो सके। तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।